सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। ये प्रकाश है विकास का, ये प्रकाश है संभावनाओं का, उन्नति का। वो जो पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो देखते भाव क्या है, पेट्रोल का भाव क्या है, इथेनॉल का भाव क्या है। अगर इथेनॉल सस्ता है तो पूरे गाड़ी में इथेनॉल डालते हैं, पेट्रोल सस्ता है तो पेट्रोल डालते हैं। अब पेट्रोल का भाव 80 रुपए लीटर है, इथेनॉल का भाव 42 रुपए लीटर है। और अब मैं इलेक्ट्रिक की बसेस ला रहा हूँ और इलेक्ट्रिक की स्कूटर ला रहा हूँ, इलेक्ट्रिक की कार ला रहा हूँ, उसकी केवल 8 रुपए की बिजली लगती है। कलराज जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में इलेक्ट्रिक के 20 चार्जिंग स्टेशन है और 200 इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ घूमती है और अगले महीने में 1000 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक पर चलेगी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ये इथेनॉल बसेस और इसको देखने के लिए 28 तारीख को नागपुर आ रहे हैं, वो दिल्ली में इसको लगाना चाहते हैं। और इसलिए मैंने केशव जी को कहा कि इथेनॉल मिथेनॉल कोयले से तैयार होता है, मिथेनॉल अमेरिका में चाइना में ट्रक बसेस उस पर चलती है, मिथेनॉल 22 रुपए लीटर, इथेनॉल 42 रुपए लीटर, डीजल 62 रुपए लीटर, पेट्रोल 80 रुपए लीटर और उसके लिए बिजली केवल 8 रुपए की। तो क्यों ने हमारे देश में ये स्वदेशी की बात को हम मजबूत करें। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मेरा सपना है, हम संघ के स्वयंसेवक है, स्वदेशी के समर्थक है, क्यों हम इंपोर्ट करें। 7 लाख करोड़ हमारा पेट्रोल डीजल इंपोर्ट हो रहा है और ये पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करने के बजाय इस देश का किसान, और केवल इससे नहीं, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, ये परली, इससे नहीं तो म्यूनिसिपल वेस्ट को भी सेग्रीगेट करके उससे ग्लास, मेटल और प्लास्टिक अलग करके जो कचरा है उससे भी इथेनॉल बन सकता है। ये सब प्लांट है, टेक्नोलॉजी है, टूल है, मैं देख के आया हूँ और सरकार पॉलिसी ला रही है। केवल देवरिया में अगर आपने गन्ने का जूस निकलने के बाद जो भैया और ये राइस की परली चावल, और दोनों से अगर आपने इथेनॉल की 25 फैक्ट्री शुरू हो सकती है, इतना यहाँ बायोमास है। एक फैक्ट्री के पीछे 5000 लोगों को काम मिलेगा, तो कम से कम 50000 लोगों को, किसानों के खेत में उसको काटना, उसकी बेल बनाना और ट्रैक्टर में डालना और पहुंचाना, ये बड़ा काम है। ये सब मेरे पास है, ये जिनको जिनको संशय हो देखने के लिए आ जाओ। मैंने 15000 लड़कों को मेरे क्षेत्र में रोजगार दिया, 15000, और हमारे कोई जात पात की बात नहीं होती। मेरे यहाँ कोई जात पात की बात करता मैं उधर बाहर निकल जाता, सब जात वाले हमको वोट देते क्योंकि सबका रोजगार हमारे हाथ में। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, 6.5 लाख गाँव में से 1,70,000 गाँव को मजबूत रोड से जोड़ने का काम किया। बहनों और भाइयों, वाटर पावर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पानी बिजली रोड और दूरसंचार के साधन नहीं होंगे तो उद्योग नहीं आएंगे, टूरिज्म नहीं बढ़ेगा, लोग नहीं आएंगे तो रोजगार निर्माण नहीं होगा, और रोजगार निर्माण नहीं होगा तो गरीबी दूर नहीं होगी। मैं कलराज जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही मेरे पीछे लगकर ये पूरे काम किए, उसका श्रेय उनको है। आज कप्तानगंज से पटरौना, देवरिया शहर का बाईपास, अभी केवल देवरिया में एनएच के निर्माण में कलराज जी आपने आंकड़ा गलत कहा, मुझे दिया हुआ 2000 करोड़ रुपए केवल हम कलराज जी आपके लोकसभा क्षेत्र में जो हमारा प्लान है 2000 करोड़ खर्चा करने जा रहे हैं। देवरिया से गुजरने वाली सड़क को नया एनएच 727 घोषित किया गया है जिसका डीपीआर बनने का काम हो रहा है। 100 किलोमीटर का ये मार्ग गोरखपुर से शुरू होकर चौरी चौरा, देवरिया, पुरेना, सलेमपुर, लार होते हुए बिहार बॉर्डर तक जाएगा।
देवरिया शहर का बाईपास 600 करोड़ रुपए वो भी है। फाजिल नगर से शुरू होकर तमकुई एनएच 727A से होते हुए सलेमपुर तक 52 करोड़ सड़क का एनएच घोषित किया गया है। इसके साथ इसका भी डिप्लॉय।